गैंग्स में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन मैं माफिया में बिलीव करता हूँ। सर जान से मारने की धमकी मिली और क्या मिली? कॉल आई है गोल्डी ब्राड के नाम से, वो लोग बोल रहे हैं। और बाकी मैंने रिक्वेस्ट करी है सीपी साहब को कि मुझे सिक्योरिटी दें और इसको इन्वेस्टिगेट कराएं, तो कर रहे हैं हम। हनी क्या धमकी मिली? बोला क्या फोन पे? क्या उन्होंने अभी ज़्यादा सर ने बना करा है अभी बताने को, क्योंकि इन्वेस्टिगेट होना है सब कुछ, तो जैसे कि मीडिया में कुछ भी नहीं। आप क्या कुछ पैसों है? कुछ पैसों की डिमांड की है या क्या? डिस्क्लोज एनीथिंग, मैं सब कुछ कंसल्ट करके आप सबको जल्दी डरे हुए हैं। पुलिस को आपको आपको आपने क्या दिया? क्या कोई रिकॉर्डिंग वगैरह? सब कुछ एविडेंसेस दिए हैं जो हमारे पास है। हनी सिंह आपको फिलहाल डर लग रहा है क्योंकि इससे पहले कुछ और सिंगर्स को भी ऐसे धमकी मिली है? मेरे साथ ये पहली बार हुआ है जिंदगी में। लोगों ने बहुत प्यार दिया हमेशा और पहली बार ऐसा कुछ थ्रेट आया है और बहुत डरा हुआ हूँ। सब कॉल आए हनी आपके पास कॉल कर। एक सेकंड क्या आप क्या डरे हुए ये बताइए। आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ यार, मौत से इसको डर नहीं लगता। मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। जी हाँ, आप एकदम बिल्कुल सही देख रहे हैं। गैंगस्टर गोल्डी ब्राड से यो हनी सिंह को मिला डेथ थ्रेट। तो फ्रेंड्स, हनी सिंह बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। सिद्धू मूसेवाले को मारने के जिसका हाथ था गैंगस्टर गोल्डी ब्राड, उसी ने मारने की यो हनी सिंह को धमकी दी है। सो फ्रेंड्स, यो हनी सिंह को जान से मारने की धमकी तो मिली है, पर इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है क्या आप जानते हैं? क्योंकि 50 लाख के लिए इतने बड़े आर्टिस्ट को मारने की धमकी कोई क्यों देगा, ये भी एक सस्पेंस बना हुआ है। जो बंदा दिन के 50 लाख रुपये छाप रहा हो, उसके लिए सच में 50 लाख रुपये कुछ भी नहीं है। और सच बताऊँ तो यहाँ बात पैसों की नहीं है, जिससे कि हनी सिंह को डेथ थ्रेट मिल रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको 3 रीज़न बताऊँगी जिसकी वजह से हनी सिंह को डेथ थ्रेट मिल रहे हैं। तो पहला रीज़न ये है कि रिसेंटली यो हनी सिंह ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें कि सारे गैंगस्टर और माफिया की बात की थी। तो सारे गैंगस्टर को माफिया से नीचे बताया था। हो सकता है कि गोल्डी ब्राड को ये वीडियो देखकर बहुत बुरा लगा हो और ये वीडियो उसने देखी हो तो उसको गुस्सा आ गया हो। गैंग्स में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन मैं माफिया में बिलीव करता हूँ। टेल मी डिफरेंस। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। गैंगस्टर्स दे किल ऑन स्ट्रीट्स, दे फाइट ऑन स्ट्रीट्स, दे मेक गैंग ऑन स्ट्रीट्स। माफिया दे सिट ऑन टेबल विद सूट, दे कंट्रोल देम। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है, जिस दिन से सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ है उस दिन से हनी सिंह ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि यो हनी सिंह के रैपर बैक टू बैक गाने को बंद कराने के लिए किसी ने उनको धमकी दी हो ताकि वो रैप कर गाने ना बने। खैर, मैंने आपको 3 रीज़न बताए हैं, इसमें से कौन सा वाला रीज़न होगा जिससे कि हनी सिंह को डेथ थ्रेट मिल रहे हैं, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।